यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पर क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर स्वागत है सभी का आईटी बल मस्ता के बोर्ड चैनल में। दोस्तों, आज हम जो सीखने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अपने कंप्यूटर में अलग अलग अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे पासवर्ड डालते हैं, उन्हें कैसे स्विच करते हैं, आज हम इसमें सीखेंगे। हर कोई चाहता है कि हमारे कंप्यूटर में प्राइवेसी रहे और अलग अलग अकाउंट रहे, और विंडोज़ में मल्टी यूजर मोड क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बातें कम काम जा रहा है। चलिए पहले जो देखते हैं ये नोटिफिकेशन कैसा आया है। कोई नोटिफिकेशन नहीं। अब देखिए दोस्तों, तो क्या करते हैं हम, आज हम सीखते हैं कि किस प्रकार से कंप्यूटर में किसी अकाउंट को मेंटेन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं मैं कि मल्टी यूजर क्या होता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से अधिक यूजर के लिए अलग अलग नेम, अलग अलग पासवर्ड की सुविधा, और उनके लिए अलग अलग डेस्कटॉप, अलग अलग डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने की सुविधा अगर दी जाती है तो उस सुविधा को हम मल्टी यूजर गुण कहते हैं। यानी कि एक ही कंप्यूटर में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग पासवर्ड, अलग अलग नेम और अलग अलग चीज़ें मिल जाए, अलग अलग डेस्कटॉप मिल जाए, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, तो उसे अपन मल्टी यूजर गुण कहते हैं। तो उसे कैसे बनाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए पहले तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। हम चाहें तो अपने कंप्यूटर में न्यू अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। ऐसा करने के निम्न तरीके हैं। सबसे पहले ये करके बताया जा रहा है विंडोज इसके बारे में बताया जा रहा है, विंडोज 8 में कैसे करते हैं। सबसे पहले आप सर्च बार में जाएं और सेटिंग पर क्लिक करें, फिर चेंज पीसी सेटिंग पर जाएं, फिर चेंज पीसी सेटिंग के बाद फिर एक विंडो ओपन होगी जिसमें राइट साइड में जो पैन मिलेगा उसमें अकाउंट पर क्लिक करना होगा। दिखाता हूँ, पहले फोटो बनाए हैं, ये चार बार पे गए, ठीक है। जाने के बाद आप पी सेटिंग में गए और पी सेटिंग में आने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में पैन आ रहा है। इस पैन में ये अकाउंट, ये अकाउंट जो आ रहा है, इस अकाउंट पर क्लिक करें। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद फिर अदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे और वहां पर फिर एड अकाउंट पर क्लिक करेंगे और फिर साइन इन विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर हम चाहते हैं बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साइन इन करें तो ऑप्शन मिलता है साइन इन विद आउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ये फिर विंडो आएगी, यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल सकते हैं और डालने के बाद नीचे पर ये साइन इन विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्लिक कर सकते हैं। तो अब अकाउंट नेम पूछा जाएगा, अकाउंट नेम टास्क टाइप करेंगे और वांछित पासवर्ड टाइप करेंगे और एक मजबूत पासवर्ड डालना जरूरी है, ठीक है। अन्य शब्दों में जो याद रख सकते हैं या रखने में आसान हो लेकिन अनुमान लगाने में मुश्किल, जो अनुमान लगा सकते हैं क्या पासवर्ड है, ऐसा पासवर्ड डालें, ठीक है। ऐसा पासवर्ड डाल को भेजा है और पासवर्ड दोबारा दर्ज करें, दोबारा पासवर्ड पूछता है। फिर जारी रखने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें, ये हमने कर दिया, नाम पासवर्ड पासवर्ड और ये हिंट डाल दी है और नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शनल ये नाम आता है हिंट के लिए, और पारे सुरक्षा को सक्रिय करने के लिए बॉक्स को चेक बॉक्स करते हैं अपन और अंत में फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे, जैसे ही फिनिश पे क्लिक करते हैं हमारा अकाउंट बन जाता है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी अकाउंट को बना सकते हैं विंडोज 8 में। कहाँ गए, सबसे पहले चांसवार पर गए, फिर सेटिंग में गए पीजी सेटिंग में, फिर अकाउंट्स पे क्लिक किए जो लेफ्ट साइड में आता है, फिर इसके बाद ये हमने विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक किया, हमने फिर यहाँ नाम डाला, पासवर्ड डाला और हिंट डाली, नेक्स्ट किया और फिर हमने इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक किया और फिनिश कर दिया, तो हमारा अकाउंट बन गया। बड़ा ही आसान तरीका था। विंडोज 8 में, विंडोज 10 में, विंडोज 7 में, सभी में तरीका क्या है कॉमन, तो तरीका बताता हूँ मैं, जो बताऊंगा वो कॉमन तरीका होगा। आप किसी भी विंडोज में बड़ी ईजी तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं। उसके लिए आपको कठिन कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। सारी सेटिंग कंट्रोल पैनल से होती है तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर यूजर अकाउंट नाम का ऑप्शन आएगा, जो मेरा माउस है वहाँ
वहां क्लिक करेंगे तो सामने ये विंडो आएगी। इस विंडो में आप देखेंगे मैनेज अनदर अकाउंट, यहाँ क्लिक करेंगे। ये चेंज योर नेम, आपका नाम है सनम को चेंज करने के लिए, चेंज योर टाइप, हमारे टाइप को चेंज करने के लिए, और मैनेज अनदर अकाउंट, यहाँ से किसी अन्य अकाउंट को मैनेज करना है तो उसके लिए होता है। तो यहाँ क्लिक करेंगे और दिया हुआ है नीचे ऐड ए न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग। तो जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएंगे, पीसी सेटिंग। और यहाँ आप देखेंगे फैमिली एंड अदर्स में जाके ऐड संबंध एज टू दिस पीसी, यानी कि इस पीसी में किसी अन्य को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑलरेडी है तो आप साइन इन विद ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की आईडी भर के नेक्स्ट करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट बटन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। एक मेरे किसी मित्र ने कहा था कि लैपटॉप लेके आते हैं नए तो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी कंपनी से बन के आती है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी को आप स्वयं बना सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मोबाइल फोन में जीमेल की आईडी बनाई जाती है प्ले स्टोर के लिए, वैसे ही विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का आईडी बनाई जाती है जो कि आपकी विंडोज में प्ले स्टोर को ओपन करने का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करके अपनी आईडी बना सकते हैं। अगर नहीं है आईडी तब और है आपके पास आईडी तो यहाँ पे आप सीधा लॉग इन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के झंझट में ना पड़े, आप यहाँ से अपना अकाउंट बनाना नहीं चाहते हैं तो लोकल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे ही यहाँ क्लिक किया तो बॉक्स सामने आएगा, इसमें हम कोई भी ईमेल आईडी या फोन नंबर टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं और इसे नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये बोल रहे हैं लुक लाइक दिस इजंट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए ही है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, आप आई डोंट हैव दिस पर्सन खाने इस पर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स खुलेगा। ये ओपन होने के बाद एड ए यूजर विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यूजर नेम पूछा जाएगा, मैं यहाँ पर यूजर नेम डाल देता हूँ मोनिका और पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ भी 123 और इंटर 123। आप ये पासवर्ड डालना, कोई अच्छा पासवर्ड डालना जो हर कोई गेस ना कर सके, आपको याद भी रहे। देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन ये है कि पासवर्ड भूल जाएंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से पासवर्ड को रिजेक्ट कर पाएंगे, तो मैं ये नहीं भर रहा हूँ। ठीक है, शायद फुल रिक्वायर्ड है, करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन जैसे कि पेट नेम डाल देता हूँ, पेट नेम डाल दिया और डॉग, और मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा तो इसके लिए सारे आपको रिक्वायरमेंट दिए, जैसे नेक्स्ट करेंगे अपन तो सारे रिक्वायरमेंट के लिए आ रहा है, तो आपको सारे क्वेश्चन चुनना पड़ेंगे सब में। ये आप डाल देते हैं इसमें जहाँ बॉर्न हुए थे उस सिटी का नाम, बड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी इसके अंदर। ये चाइल्ड हुड निक नेम मेरा डाल दिया राज। नेक्स्ट करेंगे, ये मोनिका नाम से ही अकाउंट बन चुका है। अब बड़ी इजी तरीके से हम इसमें अकाउंट को स्विच करते हैं। अकाउंट स्विच कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। स्विच करने के लिए कुछ नहीं करना, आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक किया और ये इंसान बन के आ रहा है, वहां क्लिक किया और मोनिका पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मोनिका पर क्लिक करेंगे तो हम मोनिका के लिए एंटर होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी अकाउंट को बना सकते हैं और दूसरे अकाउंट में जा सकते हैं। ये तो हुआ डेस्कटॉप पर अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में अकाउंट बनाना। अगर कोई अकाउंट गलती से बन जाए तो उसको हटाए कैसे? हटाने के लिए सबसे पहले उसको साइन इन जो हुआ होगा उसको सावर करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल पैनल में जाके यूजर अकाउंट में जाके मैनेज अदर अकाउंट में जाके
आप जिसमें लॉगिन है उसमें जिसमें काम कर रहे हैं उसको नहीं हटा सकते। आप इस समय आईटी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो आईटी वर्ल्ड को नहीं हटा पाएंगे। मोनिका में काम नहीं कर रहे तो मोनिका को हटा सकते हैं, क्लिक करेंगे मोनिका को और यहाँ से डिलीट कर देंगे। दो बार पूछा जाएगा डिलीट फाइल तो फाइल मिल जाएंगे और डिलीट अकाउंट से आपका अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। मैंने इसमें क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लेगा हटाने में, हट चुका है अकाउंट। तो इस प्रकार से अपन अकाउंट को बनाते हैं और अकाउंट को हटाते हैं। और जो मैंने अभी पासवर्ड डाला था वो तो पासवर्ड डालना विंडोज की सिक्योरिटी में से एक फीचर्स है, विंडोज की सिक्योरिटी में से एक फीचर्स है अपने अकाउंट में पासवर्ड डालना, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।